मैं प्रियंका अग्रवाल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कक्षा 4 विषय हिंदी व्याकरण, जिसमें बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक है कृतिका, इसका दूसरा चैप्टर आज हम सब पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है वर्ण विचार। इससे पहले हमने भाषा पढ़ा, आज वर्ण जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं, या यूं कहें कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और स्वर वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, हृस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हृस्वर, इनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है और ये संख्या में चार होते हैं, अ, छोटी, छोटा उ और री। उसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हृस्वरों की अपेक्षा इनके उच्चारण में दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में सात होते हैं, आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। फिर प्लुत स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में हमें हृस्वरों की अपेक्षा तीन गुना समय लगता है, जैसे ओम, राम, इनके उच्चारण में हमें तिगुना समय लगता है। बच्चों आइए पढ़ें आगे व्यंजन। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ। बच्चों आप एक बार ध्यान से देखिए, हमने कहा क, क, क के साथ अ, यानी जो स्वर है वो भी हम उच्चारित करते हैं, तो व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। आइए देखें व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण भी तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ट व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारे मुंह में, जैसे बोले हमने बोला क, ये कंठ से आवाज, हमारे कंठ से आवाज आती है। अब है, अब जैसे प बोला, प, ह, ये ओष्ठ से आवाज आती है, हमारे दोनों ओठ प आपस में सटते हैं, ये हमारा आपका प, ये इसको बोलते हैं ओष्ठ, ओष्ठ से उच्चारण इनका होता है। आइए पढ़ें, उसी तरह से सभी वर्णों के अलग अलग उच्चारण स्थान हैं। अब है अंतस्थ व्यंजन, जो अंदर से आवाज आती है, ये संख्या में चार होते हैं, जैसे य, र, ल, व, ये अंदर से हमारे आवाज आती है, इसको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब है उष्ण व्यंजन, इसमें गर्म हवा हमारे मुंह से निकलती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में वायु हमारे गर्म, मतलब वायु मुख के विभिन्न भागों से टकराकर गर्मी पैदा करती है, उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में चार होते हैं, श, तलाप्य श, मूर्धन्य श, दंत श और भ, ये हमारे उष्ण व्यंजन के उदाहरण हैं। तो बच्चों और आगे देखिए अनुस्वार, जैसे अब अनुस्वार का उच्चारण कैसे होता है, इनका उच्चारण नाक से होता है, जैसे बंदर, अंग, अंग का उच्चारण बंदर, कंधा, ये हमारा उच्चारण स्थान ये नाक से होता है। अनुनासिक, इसमें इसका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुंह दोनों से एक साथ बाहर आती है, जैसे बांस बोलते हैं ना, आ, बांस, पांच, ये हमारा उच्चारण स्थान आपका, उसमें नाक और मुंह दोनों से वायु हमारे बाहर आती है। विसर्ग, विसर्ग जैसे संस्कृत में भी आपने पढ़ा होगा, ह, जैसे प्रातः, ह, इसमें इस तरीके से ह के समान इसका उच्चारण होता है। अतः, फलतः, ये हमारा विसर्ग होता है। अब बच्चों संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब हम दो वर्णों को जोड़कर एक वर्ण बनाते हैं तो उसको संयुक्त वर्ण कहते हैं, जैसे क्षत्रिय वाला छ, क और श, कौन सा? मूर्धन्य श।
इनको जब हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारा क्षत्रिय वाला छ बनेगा। और है त्र, त और र को जब हम ऐड करेंगे तो त्र बनेगा। ज्ञ, ज और य को ऐड करेंगे तो ज्ञ बनेगा। तलव्य श और र को ऐड करेंगे तो स्र बनेगा। ये हमारा संयुक्त व्यंजन हुआ। अब जब द्विवित व्यंजन बनता है तो इसमें एक आधा, जैसे मतलब हाफ जिसको बोलते हैं का और क, इसको बोलते हैं द्विवित व्यंजन। दो व्यंजनों को आपस में जोड़कर बना, जैसे क क पक्का। जब एक ही व्यंजन दो बार आपस में मिलते हैं तो उसे द्विवित व्यंजन कहते हैं। अब वर्णमाला, वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसका एक्सरसाइज आप बुक में भी कंप्लीट करेंगे और नोटबुक में भी कंप्लीट करेंगे, यही आपका होमवर्क है। अगली कक्षा में मैं अगले अध्याय के साथ फिर आपके पास आऊंगी। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।